हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनीबडी कैन लर्न जीके। तो जैसे ही आप सबको पता है कि 22 जुलाई को जो था पीपीएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम जो है हो चुका है। आज इस वीडियो के अंदर जो है हम उसके पहले यानी कि इस पार्ट के अंदर हम लोग उसके पहले 50 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करेंगे, उनके कुछ जो हैं आंसर जो हैं जो गूगल बेस्ड जो मैंने निकाले हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेपर है जो होगा क्वेश्चन बुकलेट ए का होगा, ये नाम वगैरह जो मैंने हाइड कर दिए हैं ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। सो दैट हम स्टार्ट करते हैं जो कि इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग 50 क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था, द एलिमेंट विच इज जर्नली एब्जर्व बाय प्लांट्स अलोंग विद जिंक एंड कोज आउच डिसीज इन ह्यूमन बींग। हालांकि आउच को आप लोग जो है इटाई डिसीज भी जो है पढ़ सकते हैं, एक ही बात है इटाई डिस। तो ये जो होता है ये होता है कैडमियम से। हालांकि मैं इसके बारे में वीडियो भी बना चुका था पहले, जो मेरी साइंस की वीडियो है, क्योंकि मैंने साइंस की वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है आए हुए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, द रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैज़ बीन मेकिंग न्यूज़ इन दिस केस हु आउट द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द डिफेंस काउंसिल फॉर द आम आदमी पार्टी। यानी कि आपको पता है कि सीएम वर्सेस जो है एलजी चल रहा था, उसके अंदर जो है सीएम को काफ़ी ज़्यादा जो थी पावर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, तो उसके अंदर जो था इनके काउंसिल थे वो थे पी चिदंबरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑयल जैपर दैट वी फ्रिक्वेंटली हियर इन द न्यूज़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर द रेमिडिएशन ऑफ ऑयली स्लज एंड ऑयल स्पिल्स। यानी कि बेसिकली इसको जो है रिफाइनरी का सिस्टम होगा इसके अंदर। तो इससे पहले 3 क्वेश्चन, हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था, द डिफरेंस बिटवीन ए CFL एंड LED लैम्प टू प्रोड्यूस ए लाइट, ए CFL यूजेस मर्करी वेपर एंड फॉस्फोरस वाइल एंड LED लैम्प यूजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल। लेट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद है, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ LED लैम्प। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जो लाइफ स्पैन होता है वो LED बल्ब का ज़्यादा होता है रादर देन CFL। और थर्ड ऑप्शन जो था, ए CFL इज़ लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू LED बल्ब। यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट और जो है थर्ड जो है वो ठीक है, सेकंड गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा इसका सही आंसर, 1 और थर्ड ओनली। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, ISUN के लिए यानी कि किसी भी एरिया को क्रिटिकली इंडेंजर जो है स्पेसीज को घोषित करने के लिए कितना जो है एरिया जो है मेजरमेंट के लिए चाहिए होता है। हालांकि इस क्वेश्चन के ऊपर जो है अभी डाउट है, मे बी 150 या 200 में से जो है इसका आंसर एक होगा। जैसे ही मेरे को पता लगेगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी जो है डाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 6वां क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एस्चुरी। आपको पता ही एस्चुरी बनता कब है, जब एक रिवर वाटर एक जो है ओशन से जाकर मिल जाता है तब एक एस्चुरी बनता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, एन एस्चुरी इज़ ए प्लेस वेयर रिवर फ्रेश वाटर मीट्स विद द ओशन वाटर। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, इसके दो वाले में भी कन्फ्यूजन है, तो ये भी मैं आपको जो आंसर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है प्रोवाइड करा दूँगा। बिकॉज अभी ड्यू टू लैकेज ऑफ टाइम मैं जो है सभी क्वेश्चन के आंसर जो है आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है CSAT की वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। CSAT के अंदर जो क्वेश्चन आए थे विद आंसर्स, तो उसके अंदर जो है काफ़ी चीज़ें मैं कवर भी करवा दूंगा, जो इसमें इस वीडियो के अंदर जो है कुछ क्वेश्चन जो है रह जाएंगे। उसके बाद है, कंपाउंड ऑफ विच कोज मीनामेटा डिसीज, तो ये करते हैं मरकरी से। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके बारे में अभी देखना है कि क्या होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था कि विद रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि 1972 का जो एक्ट था उसके अंदर जो कंडीशन थी जो दी हुई हैं इसके बारे में अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो तो सिंपल क्वेश्चन था कि कांजली वेटलैंड किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो कांजली है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, हालांकि पेपर जो था हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ आया था। ठीक है, इजी क्वेश्चन क्या थे, 5 से 10 क्वेश्चन ईजी थे, बाकी क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं थे, उसके लिए काफ़ी डीप नॉलेज चाहिए थी और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पेपर जो था मॉडरेट टू काफ़ी टफ था, तो देखते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्योंकि जो CSAT पेपर था वो काफ़ी आसान आया हुआ था। काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू जो PPSC का पिछला पेपर हुआ था कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर वाला, उससे काफ़ी इजी था, क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो सकते थे अगर आपकी रीजनिंग हल्की फुल्की भी अच्छी थी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 11वां क्वेश्चन, रिगार्डिंग द न्यू MSP ऑफ पैडी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट इन जुलाई 2018, जो द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। जैसे मैंने चेक किया है इसके अंदर स्टेटमेंट जो है फर्स्ट और थर्ड जो है ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, व्हाट इज़ द जूलॉजिकल नेम ऑफ स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब। आपको पता है कि स्टेट बर्ड कौन सा है पंजाब का, स्टेट बर्ड है ब्लैक बग, और उसको जूलॉजिकल बोल लीजिए या फिर हम क्या कह सकते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं इसको एंटीलोप कर्वी कैप्रा।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन तो सिंपल आए हुए थे, अगर आप लोगों ने हल्का फुल्का भी अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोग जो है इसको ईजिली कर सकते थे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर था 13वां और 14वां, ये जो है मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी मेरे को थोड़ा बहुत देखना है अभी इसके अंदर क्या होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर, तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसके अंदर था कि जो है इन चारों के अंदर जो करेक्ट कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सेतु समुद्रम, ये जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है। उसके बाद जो 18वां क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ कोल्ड 0 माइल सेंटर बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन इंडिया इन ज्योग्राफी सेंटर, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नागपुर। उसके बाद जो है इसके बारे में भी 18, 19 के बारे में भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 21 था कि सेतु भारतम प्रोजेक्ट जो है किससे कनेक्ट होने वाला है, किस ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जाए, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है रोड ट्रांसपोर्ट से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था कि इक्वेटोरियल रीजन के अंदर जो है किस चीज़ की ग्रोप जो है कल्टीवेशन की जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की। उसके बाद 23वां क्वेश्चन था, हु सेड इनजस्टिस एवरीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, तो ये स्टेटमेंट दी थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। उसके बाद जो 24वां क्वेश्चन था वो था, हु कॉइन्ड द फ्रेज बैनल नेशनलिज्म, तो ये जो फ्रेज दिया था ये दिया था माइकल बिलिंग ने, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था, हु कॉइन्ड द नेम यूनाइटेड नेशन, यानी कि जब यूनाइटेड नेशन बना था तो इसका जो है नेम किसने दिया था, इसका नाम जो है यूनाइटेड नेशन होगा, तो ये दिया था अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ये क्वेश्चन भी मैंने जो था अपनी करंट मतलब जो यूनाइटेड नेशन की वीडियो बना रखी थी उसके अंदर भी कवर किया हुआ था। तो काफ़ी क्वेश्चन थे कि जो उसके अंदर जो आए हुए थे, और ट्रैगविली कौन थे, ट्रैगविली जो इसके फर्स्ट जो थे प्रेसिडेंट थे, इनके फर्स्ट जो थे चेयरमैन थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ 193rd, यानी कि लास्ट मेंबर जो कौन जुड़ा है वो जुड़ा है साउथ सूडान जुड़ा है। ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ये भी मैं आपको पुरानी वीडियो के अंदर करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूएन वाली वीडियो मेरी जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाकर दे सकते हैं, आपको आने वाले एग्जाम में जो है काफ़ी फायदा हो सकता है। हालांकि अगर आपने एग्जाम दिया है तो भी ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप लोग क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन जो है पंजाब के आने वाले पेपर के अंदर किसी भी के अंदर मिल सकते हैं इजिली, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद था कि एक तरफ हेडक्वार्टर दिए हुए थे और दूसरी तरफ जो है उनके जो है कौन सी जो है एजेंसी है यूएन की, वो वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर। सबसे पहले जो एफएओ का था वो रोम के अंदर, बिल्कुल सही है। आईएलओ का जिनेवा के अंदर है। आईएमएफ का जो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, वॉशिंगटन डीसी, आईएमएफ का भी और वर्ल्ड बैंक का भी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, यानी कि ये गलत है। एक चीज़ आप पढ़ लीजिए कि जो इनकरेक्ट पूछा हुआ है। उसके बाद जो यूनेस्को का आपको पता ही है पेरिस के अंदर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईएमएफ का जो है वो है वॉशिंगटन डीसी में, ना कि न्यूयॉर्क में। उसके बाद है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर लिए थे क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर, कि फेडरलिज्म कहाँ से लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया था, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया था। हालांकि इनके आंसर जो है सीधा सीधा दही रखे हैं, तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि फेडरलिज्म का कंसेप्ट लिया था कैनेडा से, ड्यूटीज़ ली थी यानी कि यूनाइटेड सोवियत संघ से यानी कि यूएसएसआर से ली थी, डीएसडीपी लिए थे, जो डीपीएसपी लिया था वो लिया था आयरलैंड से, और जुडिशियल रिव्यू लिया था जो है यूएस से लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टू कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ डिस्क्राइब एज ट्विन सिस्टर कमेटी, तो ये बोलते हैं एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो है ट्विन सिस्टर जो है बोलते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जो है कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। एस्टिमेट कमेटी के अंदर जो है 30 मेंबर होते हैं, ये सारे लोकसभा से आते हैं। इसके अंदर जो है 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर भी इतना ही होता है कि उसके अंदर भी जो है 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के, इसका भी ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था रोहिंग्या के बारे में था, क्योंकि रोहिंग्या का इशू काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में आ रहा था, तो उसके बारे में पूछा हुआ है कि पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था, दे आर एन एथिन ग्रुप लार्जली कंप्रेजिंग मुस्लिम्स हु प्रोडमिनेंटली लिव इन वेस्टर्न म्यांमार प्रोविंस ऑफ रखाइन, तो आपको पता था कि वो रखाइन स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो स्टेटमेंट जो है पहला सही था। उसके बाद जो था स्टेटमेंट थी, सेकंड स्टेटमेंट के बारे में भी कन्फ्यूजन है थोड़ा सा कि फुल सिटीजन थे या नहीं थे। और थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो स्टेटमेंट थी वो थी, अकॉर्डिंग टू यूएन द रोहिंग्या क्राइसिस इज मेजरली ए रिजल्ट ऑफ एथनिक क्लिनजिंग बीइंग डन बाय म्यांमार स्टेट, तो ये स्टेटमेंट जो थी सही थी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो था सही था। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कोल्ड एज इक्वेटेड विद मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन से संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोला गया था, ये बोला गया था 42nd को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद जो 32वां क्वेश्चन था वो था, ये शेड्यूल थे हमारे लिस्ट के अंदर उसके बारे में जो है इनकरेक्ट क्या था, क्योंकि तो यहाँ पे जो है चीज़ ध्यान रखिएगा करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा हुआ है। उसके अंदर दिया हुआ है देर आर 12 शेड्यूल, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है
इलेवंथ और ट्वेल्थ के अंदर जो था 73rd और 74th अमेंडमेंट से किया हुआ है, मैंने वीडियो के अंदर काफ़ी बार बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पुरानी वीडियोस के अंदर भी जाकर। उसके बाद जो था 9th शेड्यूल ने जो था फर्स्ट अमेंडमेंट किया था, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ ही जो था 9th शेड्यूल जुड़ा था, जो कि भूमि सुधार के बारे में था, बिल्कुल सही है। उसके बाद एंटी डिफ्लेक्शन लॉ इज इन 10th शेड्यूल, बिल्कुल सही है, एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, जो गलत है, ये जो है 52nd अमेंडमेंट से जो था ऐड किया गया था। तो गलत कौन सा हुआ इसका मतलब कि ऑप्शन डी जो है गलत हुआ, बाकी सब जो है सही है कि 12 शेड्यूल है हमारे अंदर, 11वां और 12वां जो था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना था, फर्स्ट अमेंडमेंट करके 9th शेड्यूल बना था, लेकिन एंटी डिफ्लेक्शन लॉ बना था वो बना था 52nd से ना कि 42nd से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन फॉर ए पोलिटिकल पार्टी टू रिकोगनाइज एज ए नेशनल पार्टी, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अगर किसी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी का दर्जा चाहिए तो एटलीस्ट 4 स्टेट के अंदर जो है उसको स्टेट पार्टी का दर्जा जो है मिलना चाहिए, तो ये जो है इसके अंदर गलत था। उसके बाद है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि पंचायती इलेक्शन के बारे में, जो कि पंजाब के अंदर होने वाले हैं सितंबर के अंदर, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ टर्म्स दी थी जो कि जिनमें से इनकरेक्ट हमें को पहचानना था। 5 साल की टर्म होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद है, द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन पंचायत शुड बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हालांकि इसको जो है स्टेट का इलेक्शन कमीशन कहता है ना कि इंडिया का, तो यहाँ से जो ऑप्शन जो था बी जो है हम इजिली जो है पिक कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर ना हमको जो है गलत ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करनी होती है, रादर देन, क्योंकि उससे टाइम जो है काफ़ी बच जाता है। उसके बाद है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, तो इंटर स्टेट काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो है, द वर्ड ब्यूरोक्रेसी वाज फर्स्ट कॉइन बाय, तो इसका आंसर है विंसेंट डी गोरने, ठीक है, इन्होंने जो था एक ब्यूरोक्रेसी वर्ड जो था कॉइन किया था। उसके बाद क्वेश्चन जो है, इसको हल्का जूम और कर देता हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड फ्रॉम द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से क्या क्या आया था, वर्ल्ड बैंक और IMF आया था, इनको ब्रेटन वुड्स ब्रदर भी या ब्रेटन वुड्स ट्विन भी बोल देते हैं, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC के अंदर। उसके अंदर है ये 38 के ऊपर अभी डिस्कशन करना है। उसके बाद जो 39 था वो था कि मैन बुकर प्राइज किसको मिला है, तो ये मिला है इंग्लिश पेशेंट को, हालांकि इनके ऑथर के बारे में नहीं पूछा गया था, तो ये इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा। उसके बाद है नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, कौन सा स्टेटमेंट गलत था, एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बोथ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है, यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसी लेते हैं, लोकसभा के लिए होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा मेरे हिसाब से, तो बाकी अगर कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद है कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर GST रेज इन द कंट्री कंक्लूडेड रिसेंटली, द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा रेवेन्यू स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट टू लोवेस्ट, यानी कि जिसने सबसे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा से कम दिया था उस तरह से उसको रेंज में लगाना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा महाराष्ट्र कर्नाटका पंजाब, इस तरह से आप जो है ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद है 42nd पे अभी डिस्कस करना है, उसके बाद जो है 43rd जो है इसका जो है स्टेटमेंट 1 सही होगा, ये जो है सिडबी बैंक जो है कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए जो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद जो है 43rd भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, 45th करते हैं हम लोग, कि द इंटरनेशनल मी टू स्टार्टेड अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय एसआईआ मिलानो इन 2017 वाज ओरिजिनल स्टार्टेड इन 2006 के अंदर, 2006 के अंदर किसने स्टार्ट किया था, तो ये किया था तैरना बरके ने। उसके बाद है डिफिशिएंट फाइनेंसिंग मीन्स दैट द गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम द, तो ये जो मनी बोरो करता है वर्ल्ड बैंक IMF वगैरह फिर और जो है इंटरनेशनल बैंक है उनसे जो है मनी बोरो करता है डेफिशिएट की कंडीशन के अंदर। उसके बाद है ये भी हम लोग जो है अग्नि 5 के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है 48th क्वेश्चन, हु रेकमेंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि और इशू प्राइस कौन करता है, तो ये करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे, हालांकि 49th हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंडिया जो है इसके अंदर रीइलेक्ट हुआ था, बस यहाँ पे गलती क्या होगी, यहाँ पे 5 ईयर की जगह जो है 3 ईयर आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, इसके अंदर मैं जो है पार्ट सेकंड जो है कवर करने वाला हूँ नई वीडियो के अंदर, पार्ट सेकंड के बाद जो है सीसेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीसेट काफ़ी ठीक था, मॉडरेट, मतलब कि इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम लोग, लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट था। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।